दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया के सारे धर्मों में सबसे अधिक प्राचीन और विशेष है। क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों को कईयों साल लग गए बस इतना जानने में कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही ये बात बता दी गई थी, या फिर ये कहें कि दिखा दी गई थी कि पृथ्वी गोल है। अब जरा आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे भगवान वराह पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ हमें वो बताते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जरा आप ये बताइए कि कितने लोगों ने ये सोचा था कि समानांतर ब्रह्मांड जैसी कोई चीज हो सकती है। लेकिन हमारे ग्रंथों में इस बारे में भी जानकारी मिलती है। हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद लगभग हर एक चीज समय समय पर सच होती नजर आई है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो धर्म ग्रंथों में मौजूद तो हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानता नहीं है। वो चीज है दुनिया का अंत, कलयुग का अंत, कल्कि अवतार का जन्म। धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत के बारे में भविष्यवाणियां क्या हैं और एक नए युग की शुरुआत कैसे होगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मित्रों, हिंदुओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कई बार एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर आकर अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बनाए रखा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु लगभग 25 बार पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और भगवान कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होंगे। हिंदुओं ने भगवान विष्णु की तस्वीर को कॉस्मोस ओशन में एक बड़े सांप के बिस्तर पर लेटे हुए रूप में दर्शाया है, जहां वे लक्ष्मी जी के साथ गहरी निद्रा में है, जो भगवान विष्णु को अपनी सेवा दे रही हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के चित्र में यह देखा जाता है कि भगवान विष्णु के पेट से कमल खिल जाता है और वे भगवान ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। चित्र में यह भी दिखाया जाता है कि भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने इस संसार को बनाया है, वे भगवान विष्णु को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की उपस्थिति को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ अवतार माना जा रहा है, और हिंदू धर्म में भगवान कल्कि की तस्वीर को चित्रित किया गया है, क्योंकि भगवान अपने देवदत्त पर अपने हाथ में तलवार के साथ सवार होंगे। भगवान कल्कि का यह स्वरूप श्रीमद् भागवतम में मिलता है। दोस्तों, 2022 में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार पर बनाई गई इस वीडियो में मैं आपको भगवान कल्कि से जुड़े कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब दूंगा जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कल्कि का स्वरूप कैसा होगा, भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ता है, कल्कि अवतार और नास्यदमस की भविष्यवाणी में क्या समानता है, कल्कि अवतार का मिशन क्या होगा, और फिर मैं आपको कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ खास रहस्यमयी बातें बताऊंगा, जैसे उनका जन्म कहाँ होगा, वो कैसा स्थान होगा, शास्त्रों में भगवान कल्कि की धर्मपत्नी के बारे में क्या लिखा है और उनकी धर्मपत्नी कौन होगी। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हो सकता है कि आपने इस वीडियो में बताई गई कुछ चीजें पहले भी देखी या फिर सुनी होंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको भगवान कल्कि के बारे में सब कुछ A to Z शुरू से बताऊंगा, ताकि जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको भी समझ में आए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का स्वरूप। मित्रों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर आएगा। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि चार युग हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चार चक्र हमारे कैलेंडर महीनों की तरह घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान युग कलयुग है और यह 432,000 वर्ष तक चलेगा। यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई से हम 5,000 साल पहले ही पार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी 427,000 वर्ष बाकी हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार कल्कि कलयुग के अंत में आएंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश और उनकी माता सुमति होंगी, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण भी होंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे, और बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान विष्णु का जन्म यूपी के शहर संभल में होगा, लेकिन वह सब गलत है। उनका असलियत में जन्म संभाला के एक ऐसे दिव्य शहर में होगा जो कि सामान्य पुरुष की नजरों से विलुप्त हो जाएगा। कलयुग में भगवान विष्णु को भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होने का कारण, वैदिक सभ्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार
संत भृगु द्वारा शापित थे। असुरों ने एक बार महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली थी। एक दिन जब शुक्राचार्य और महर्षि भृगु आश्रम में थे और तब देवराज इंद्र ने छल पूर्वक असुरों पर आक्रमण कर दिया। उसने देखा कि ये तो बहुत सही मौका है और उसने पीठ पीछे असुरों को काटना चालू कर दिया। असुरों ने भागकर ऋषि भृगु की पत्नी की शरण ली, जिसका नाम कवि माता था। उस समय के दौरान कवि माता ने अपनी यौगिक शक्तियों की मदद से इंद्र को डुबो दिया और इस प्रकार से कवि माता ने असुरों की रक्षा की। अन्य देवता तुरंत इंद्र की मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने इंद्र और अन्य देवताओं को बचाने हेतु अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और कवि माता के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब ऋषि भृगु वापस लौटे और अपनी पत्नी की विनाशकारी स्थिति को देखा तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि वह कई बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अपने करीबी प्रियजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। महर्षि भृगु के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ता है और जब भी वे पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर मौजूद बुराइयों का नाश करते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि कलियुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आखिरी बार प्रकट होंगे ही। जब पृथ्वी पर बुराई अपने चरम सीमा पर होगी तब काली करतूतों और कलिपुरुष का नाश करके भगवान वापस सतयुग की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि पर नास्तिदमस की भविष्यवाणी। दोस्तों, नास्तिदमस एक महान ज्योतिष थे और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वह हमेशा सच हुई है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार ये पाया गया कि एक व्यक्ति दुनिया में असीम शक्ति धारण करेगा, जिसका पवित्र दिन गुरुवार होगा और वह तीनों लोकों और पूरी दुनिया में शासन करेगा। वह एकमात्र व्यक्ति होगा जो दुनिया को सभी परेशानी से मुक्त करेगा। नास्तिदमस के अनुसार यह महान व्यक्ति अपने सिंहासन के नीचे आएगा और अपनी छड़ी से बुरे लोगों पर प्रहार करेगा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कल्कि अवतार में और नास्तिदमस ने जो भविष्यवाणी की है उसमें कई समानताएं पाई गई। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वे अपने शत्रुओं को अपने हथियार से नष्ट कर देंगे और वे अपने घोड़े पर सवार होंगे। इसका भी वर्णन नास्तिदमस ने अपनी भविष्यवाणी में किया है। कल्कि अवतार का मिशन। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि कल्कि अवतार का पृथ्वी पर प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य कली पुरुष को नष्ट करना होगा, जो एक बुरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसमें सात चिरंजीवी भगवान कल्कि के इस युद्ध में उनके सारथी बनेंगे। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य बुरी सोच के लोगों को और चारों ओर से बुराई को नष्ट करना ही होगा और पृथ्वी को रहने के लिए शांतिपूर्ण स्थान बनाने का होगा। फिर कलयुग के अंत के बाद भगवान कल्कि वापस सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु ने समय समय पर इस संसार की रक्षा की है और इसके लिए उन्हें अनेक अवतार भी लेने पड़े, जैसे मत्स्य अवतार, यानी कि ये अवतार मछली की तरह दिखता है, कूर्म अवतार, ये अवतार कछुए के समान दिखता है, वराह अवतार, ये अवतार सुअर की तरह दिखता है, नरसिंह अवतार, इस अवतार में भगवान आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और भगवान का कल्कि अवतार। इन सभी अवतारों में हम ये जानते हैं कि कल्कि अवतार को छोड़कर भगवान विष्णु और सभी अवतारों में अवतरित हो चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं या फिर भविष्य में अवतार लेने वाले हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने आज तक जितने भी अवतार लिए हैं वो सारे अवतार काल चक्र के अलग अलग युगों में हुए हैं। जैसे सतयुग में मत्स्य अवतार हुआ, त्रेता युग में राम अवतार हुआ, द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ और कलयुग में भगवान विष्णु का अंतिम कल्कि अवतार होगा, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिए हैं तब तब उनके अवतारों में अलग अलग शक्तियां होती थी और वे अलग अलग अस्त्रों एवं शस्त्रों से लैस होते थे। भगवान परशुराम फरसे का प्रयोग करते थे, भगवान राम धनुष एवं बाण का प्रयोग करते थे, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार लेंगे तो उनके पास कौन कौन से अस्त्र एवं शस्त्र होंगे, उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी और उनके गुरु कौन होंगे, यानी कि उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण कौन देगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कल्कि की भक्ति इस समय एक ऐसे कवच के समान है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कल्कि की भक्ति व्यक्तिगत ना होकर के समष्टिगत है।
जो भी व्यक्ति भगवान श्री कल्कि की भक्ति करता है वो ये चाहता है कि भगवान जल्दी से जल्दी इस धरती पर आएं और सभी बुराइयों एवं दुष्टों का नाश कर दें। दोस्तों, कलयुग यानी कि कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग कलयुग है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी और तभी से कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। कलयुग के कारण लोगों के मन दूषित होने लगे, उनके मन में औरों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी और पुराणों में लिखा है कि जब जब इस संसार में पाप बहुत ज्यादा बढ़ा है तब तब भगवान अवतरित होकर उन दुष्टों एवं पाप का नाश किया है। जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तो उन्हें अस्त्र एवं शस्त्र और युद्ध में लड़ने की सभी विद्याएं भगवान परशुराम जी सिखाएंगे, वही उनके गुरु कहलाएंगे। और आज भी इस कलयुग में वे जीवित हैं और वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं और वहीं पर वे ध्यान में लीन रहते हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर कुछ ऐसे शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र छुपे हुए हैं जो महाविनाशक हैं और उन शस्त्रों को भगवान कल्कि धारण करके समस्त संसार से पापियों का अंत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कल्कि के दिव्य अस्त्रों शस्त्रों और उनकी दिव्य शक्तियों को, सुदर्शन चक्र का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। शिव ने यह भगवान विष्णु को श्रेष्ठ संचालन के लिए दिया था। अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। सूर्य की अभेद राख से उन्होंने तीन चीजों का निर्माण किया था, पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा और कोई धारण कर ही नहीं सकता और ना ही कोई चला सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग की तब सुदर्शन चक्र वहीं पर पृथ्वी में समा गया और जब भगवान कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे तब वह सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से धारण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर संसार में व्याप्त सभी बुराइयों का अंत कर देंगे। कल्कि अवतार का घोड़ा। दोस्तों, पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक कल्कि अवतार के पास एक घोड़ा होगा जो सफेद रंग का होगा। वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और शक्तिशाली होगा। उसका नाम देवदत्त होगा और उसी पर सवार होकर भगवान कल्कि पापियों का अंत करेंगे। कर्ण का कवच धारण करेंगे कल्कि अवतार। दोस्तों, इंद्रदेव ने कर्ण के कवच को ले तो लिया था लेकिन छल से पाई गई कोई भी चीज इंद्रदेव अपने साथ स्वर्ग लोक नहीं ले जा सकते। तत्पश्चात इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को धरती लोक पर समुद्र के किनारे किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया। उसके बाद चंद्रदेव की उस पर नजर पड़ी और वह उसे चुरा कर भाग रहे थे। तब समुद्र देव ने चंद्रदेव से कवच और कुंडल को बचाया। ऐसा माना जाता है कि तब से सूर्यदेव और चंद्रदेव इस कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम सूर्यदेव और समुद्रदेव की कहानी को समझे तो वह जगह जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हुई प्रतीत होती हो, यानी कि उड़ीसा शहर, वहाँ पर पुरी गांव के निकट कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनवाया गया लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल से यहाँ सूर्य मंदिर बनाया गया है और कभी भी इस मंदिर में पूजा करने के कोई भी सबूत नहीं मिलते। सोचने की बात तो ये है कि क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहाँ पर क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं वह कर्ण के कवच और कुंडल तो नहीं थे? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है जहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल रखे हुए हैं और उनकी रक्षा तक्षक नाग करता है। आज के समय में कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी लोग ही जानते होंगे, जैसे कि हनुमान जी, परशुराम जी आदि। अगर वह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ में लग जाए तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। और क्या आप सोच सकते हैं कि इस पाप भरी दुनिया का वो और क्या हाल करेगा? कई ग्रंथ और कहानियों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि, उन्हीं को इस कवच की पूरी सच्चाई पता होगी और वही अवतार इस कवच और कुंडल को उस गुफा से निकाल कर प्रयोग करेंगे। दोस्तों, 64 कलाओं से युक्त कल्कि अवतार जब कलि पुरुष से युद्ध करेंगे तो वे युद्ध के दौरान कवच और कुंडल को अपने शरीर पर धारण करेंगे। उस कवच और कुंडल में इतनी शक्ति होगी कि वह कल्कि अवतार को बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र और ताकतवर से भी ताकतवर हथियार से बचाएगा और तब जाकर
महाबली महाशक्तिशाली श्री कल्कि भगवान कली पुरुष जैसे महाशक्तिशाली असुर का वध करेंगे। कल्कि अवतार और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी मंदिर देश का यह ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की यानी कि लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। इस मंदिर की अनेक ऐसी मान्यताएं और विशेषताएं हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह है कि जब भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनका देह का एक भाग शेष रह गया और वो था उनका हृदय। लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की भांति धड़कता रहता है और वो आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। दोस्तों, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में तीनों मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार बदलने की प्रथा है, अर्थात पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां हर 12 साल बाद बदल दी जाती हैं। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। जिस समय पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं रखी जाती हैं, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ घोर अंधकार कर दिया जाता है, यहाँ तक कि मंदिर के परिसर और बाहर की तरफ CRPF के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। जिस समय मूर्तियाँ बदली जाती हैं, उस समय मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर में जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती हैं। यहाँ तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरे होने के उपरांत ही प्रतिमाओं को बदलने का कार्य किया जाता है। मूर्तियों को बदलने के साथ ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। वास्तव में ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना मालूम है कि यह ब्रह्म पदार्थ प्रत्येक 12वें वर्ष में इस मूर्ति से निकालकर उस मूर्ति में लगा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर मान्यता यह भी है कि यदि किसी ने इसे देख लिया तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि ब्रह्म पदार्थ जो इस संसार में इतना शक्तिशाली है, जिसे देखने वाले के चीथड़े उड़ जाते हैं, उसमें कितनी शक्तियाँ होंगी। और बड़ी बात तो ये है कि इसे भगवान कृष्ण का दिल कहा जा रहा है और ये भी कहते हैं कि उनके 10 संस्कार के बाद भी ये लगातार धड़क रहा है। हो ना हो, इस ब्रह्म पदार्थ में यानी कि भगवान कृष्ण के दिल में असीमित शक्तियाँ हैं। दोस्तों, जब मैंने इसे पढ़ा और सुना तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं इसका संबंध कल्कि अवतार से तो नहीं है, क्योंकि इतने शक्तिशाली ब्रह्म पदार्थ को भगवान के अवतार के अलावा और कोई हैंडल कर ही नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर भगवान कल्कि जब इस ब्रह्म पदार्थ से सारी ईश्वरीय शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे, तब ये धड़कना बंद हो जाएगा। और दोस्तों, ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, ये सिर्फ मेरी कल्पना है। दोस्तों, कलयुग चारों युगों में सबसे भ्रष्ट युग है। इस युग में सबसे अधिक पाप होगा, अन्याय होगा, छल होगा, हिंसा होगी और कुछ मनुष्यों को छोड़कर बाकी के सारे मनुष्य इन सब में लिप्त होंगे। ईश्वर के दर्शन करना मनुष्य के लिए असंभव हो जाएगा। दोस्तों, सिर्फ एक ऐसे देवता होंगे जो कलयुग में भी सदा सर्वदा विद्यमान रहेंगे और वो होंगे भगवान हनुमान। जी हाँ दोस्तों, भगवान हनुमान ये मेरे भी इष्ट हैं और आप सभी के भी। दोस्तों, ये ऐसे देवता हैं जो कलयुग के शुरुआत में थे और अंत में भी होंगे। जब कलयुग के अंत का समय आएगा तो कल्कि अवतार प्रकट होंगे। कल्कि भगवान भगवान विष्णु के ही अवतार होंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु ने हर युग में समय समय पर पाप और बुराई का अंत करने के लिए अवतार लिए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 9 अवतार सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार। इनमें भगवान विष्णु ने कुछ अवतार सतयुग में लिए, कुछ त्रेता युग में लिए, कुछ द्वापर में लिए और अंत में एक अंतिम अवतार लेंगे जो कि कलयुग में होगा और वो होगा कल्कि अवतार। दोस्तों, कलयुग में भगवान हनुमान भी होंगे और कल्कि अवतार भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का मिलन कैसे होगा? भगवान हनुमान और कल्कि अवतार कैसे मिलेंगे, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, अंत काल रघुबरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई।
चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर किसी और देवता में चित धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सात शरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुँच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता बाबा साधु ज्योतिष आदि में भटकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा देवी देवता ज्योतिष और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति की शक्ति को पहचानते नहीं। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। दोस्तों, हनुमान जी चार कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला ये कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा ये कि वे पावरफुल होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सात शरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई भी मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। दोस्तों, हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित होंगे तब भगवान हनुमान अपने मूल स्वरूप में आएंगे और उनकी मुलाकात संभाला में होगी, जिसे शंग्रीला, ज्ञानगंज या फिर सिद्धाश्रम कहते हैं। संभाला में सभी दैवीय शक्तियों से युक्त सिद्ध पुरुष रहते हैं, जो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म संभाला में ही होगा और वहीं पर भगवान हनुमान और कल्कि अवतार का मिलन होगा। दोस्तों, ज्ञानगंज में चिरंजीवी भी जीवित हैं और तपस्या में लीन हैं, जो कल्कि अवतार के साथ होंगे। उन चिरंजीवियों में हनुमान, परशुराम, विभीषण, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, कृपाचार्य और अश्वत्थामा है। दोस्तों, त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम खुद ही हटा दो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी पूंछ हटा नहीं पाते। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। दोस्तों, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास की भांति उसे भी हनुमान जी के दर्शन होंगे। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भय संतर की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके इतिहास में इंसान के चिरंजीवी होने की बात लिखी है और उनके जीवित होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इंसान के रूप में कई देवी देवता और भगवान का भी जन्म हुआ है, जिनमें से कुछ इंसानों और देवताओं को धर्म की रक्षा के लिए धरती पर रुकना पड़ा। एक ऐसा ही इंसान है जो लगभग 3000 वर्षों से धरती पर अलग अलग रूप रखकर भटक रहा है। इस इंसान को कई लोगों द्वारा देखे जाने की बात कही गई है और ये एक बड़े धर्म युद्ध के लिए जीवित है, ऐसा भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार यह इंसान महाभारत काल से जीवित है और इसको चिरंजीवी होने का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला है। इस इंसान ने महाभारत युद्ध में अधर्म और छल किया, जिसके कारण उसको भगवान ने चिरंजीवी बनाकर भटकने की सजा दी। दोस्तों, यह इंसान कौन है और किस अधर्म के लिए इसे कलयुग में भटकते रहने का श्राप मिला था, और भारत में वो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोगों द्वारा इसे देखे जाने की बातें कही गई हैं? दोस्तों, ये योद्धा है अश्वत्थामा, जिसको उसकी गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण ने श्रापित करके कल्कि अवतार के आने तक इस
पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। सनातन धर्म की किताब भविष्य पुराण के अनुसार भविष्य में सनातन धर्म पर बहुत बड़ा संकट आएगा और उस समय इंसान की सोच और चरित्र गिर चुका होगा। तब इंसान दुनिया से सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करेगा और उसी समय कलयुग का अंत भी होगा। इस वक्त भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेंगे और उनकी सेना में अश्वस्थामा भी शामिल होगा। दोस्तों, अश्वस्थामा धरती पर लगभग 5000 से 6000 वर्षों तक धर्म की रक्षा करते हुए ऐसे ही भटकते रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कलयुग में जो धर्म युद्ध होने वाला है महाभारत के युद्ध से भी कहीं ज्यादा भयंकर और विध्वंसक होगा। वो युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था और जो कलयुग में युद्ध होगा वो संपूर्ण मानव जाति और भगवान कल्कि के बीच होगा। इस युद्ध में कल्कि भगवान कलिपुरुष नामक राक्षस से युद्ध करेंगे। इस युद्ध में संपूर्ण मानव जाति समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ कलयुग भी समाप्त हो जाएगा और एक नए कालखंड की शुरुआत होगी जिसका नाम सतयुग होगा। दोस्तों, अश्वस्थामा के बारे में इतनी बातें जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अश्वस्थामा नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वस्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वस्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। दोस्तों, असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खांडो से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले में शिव मंदिर में अश्वस्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल और गुड़हल का चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, कहते हैं कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वस्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। कहा जाता है कि मंदिर के चारों तरफ जो खाइयां हैं उन्हीं में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडो वन से होता हुआ सीधे मंदिर में निकलता है और इसी रास्ते से होते हुए अश्वस्थामा मंदिर के अंदर आते हैं और पूजा करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि असीरगढ़ किले के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी हाट के किनारे अश्वस्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कभी कभी वो अपने मस्तक से घाव के बहते खून को रोकते हैं और उसके लिए हल्दी और तेल की मांग करते हैं। गाँव के कई बुजुर्गों की माने तो एक बार जो अश्वस्थामा को देख है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, बता दें कि हनुमान जी सहित धरती पर कुल 8 अमर लोग हैं जिनमें से अश्वस्थामा भी शामिल हैं। दोस्तों, अश्वस्थामा के धरती पर भटकते रहने के पीछे एक कहानी है। ये है कि पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वस्थामा को विचलित कर दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वस्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वस्थामा के माथे की मणि को ले लिया और उन्हें तेजहीन कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अश्वस्थामा को युगो युगो तक भटकते रहने का श्राप दिया। दोस्तों, वास्तव में अश्वस्थामा ने जो अधर्म किया था उसकी सजा काटते हुए वह धर्म की रक्षा कर रहे हैं और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। उनका ये उद्देश्य है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। गजाननम भूत गड़ादिसेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यानी हे हाथी के मुख वाले, भूत गड़ों के द्वारा सेवा किए जाने वाले, कैथ एवं जामुन के फल को चाओ से खाने वाले, दुख और कष्ट को नष्ट करने वाले उमापुत्र श्री गणेश को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, भारतीय धर्म और संस्कृति में भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय और प्रार्थनीय हैं। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। यदि कोई उनकी पूजा के बगैर कोई कार्य शुरू कर देता है तो किसी न किसी प्रकार के विघ्न आते ही हैं। सभी धर्मों में गणेश की किसी न किसी रूप में पूजा या फिर आह्वान होता ही है। दोस्तों, शिवपुत्र गणेश जी को देवगढ़ों का अधिपति नियुक्त किया गया है। गणेश जी की बहन का नाम है अशोक सुंदरी और उनके भाई का नाम है कार्तिकीय। दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में भी भगवान गणेश का जिक्र मिलता है। दोस्तों, भगवान गणेश की रिद्धि और सिद्धि नामक दो पत्नियां हैं जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। इससे पहले की कई वीडियोस में मैंने आपको कई पुराणों के बारे में बताया, कल्कि पुराण के बारे में बताया, भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के बारे में बताया। दोस्तों, कल्कि अवतार के बारे में तो अब आप जान ही गए होंगे।
कि कल्कि अवतार का जन्म तब होगा जब कलयुग के अंत का समय निकट होगा। धरती पर व्याप्त पाप और अंधकार को मिटाने के लिए भगवान विष्णु कल्कि स्वरूप में धरती पर जन्म लेंगे। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के बारे में डिटेल में बताया गया है, लेकिन दोस्तों क्या आपको गणेश पुराण के बारे में पता है? कल्कि अवतार की ही तरह गणेश पुराण में भगवान गणेश के एक ऐसे अवतार का वर्णन किया गया है जो कलयुग में जन्म लेंगे। क्या आप भगवान गणेश के इस अवतार के बारे में जानते थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं की माने तो जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तो भगवान धरती वासियों का उद्धार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु के कई सारे अवतारों का वर्णन धर्म शास्त्रों में मिलता है। यहाँ तक कि पुराणों में कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही भगवान गणेश के कलयुग में अवतार लेने की बात भी पुराणों में लिखी गई है, जिसके अनुसार धरती पर जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ अधर्म के कारण हाहाकार मचा होगा, तभी गणपति धरती पर अवतरित होंगे और दुष्टों का संहार कर धरती को पाप मुक्त बनाएंगे, जिसके साथ सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश भी चारों युगों में अवतरित हुए हैं। सतयुग में वे महोत्कट विनायक के रूप में अवतरित हुए, त्रेता युग में वे मयूरेश्वर के रूप में अवतरित हुए और द्वापर युग में वे शिवपुत्र गजानन के रूप में अवतरित हुए। वहीं गणेश पुराण के अनुसार कलयुग में गणेश जी अवतार लेंगे। गणेश पुराण में भगवान शिव ने पार्वती से स्वयं बताया है कि कलयुग के अंत में गणपति चार भुजा से युक्त होकर अवतरित होंगे और उनका नाम धूम्रवर्ण और शूर्पकर्ण होगा। नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर अपनी महाबली सेना के साथ पापियों का विनाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों इस रूप में अनेक हाथों में खड़ग होगी, साथ ही वे अपनी इच्छा से सेना और अस्त्रों शस्त्रों को उत्पन्न करेंगे। कलयुग में बढ़ते अधर्म और पापियों के बढ़ते मनोबल को देख गणपति के नेत्रों में क्रोध भरा होगा, जिससे उनके शूर्पकर्ण आँखों से अग्नि की वर्षा होगी। ऐसे में पापियों और अधर्मियों का नाश करने के बाद गणेश जी का क्रोध शांत होगा। ऐसे में दुष्टों के भय से पर्वतों की कंदराओं में छुपे हुए साधु संतों को भगवान गणेश अपनी कृपा प्रदान करेंगे और उनकी कृपा से ये साधु जन पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह से कलयुग के अंत के बाद फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा और वह भगवान गणेश के हाथों से होगा। दोस्तों पुराणों की माने तो सतयुग में गणपति महोत्कट विनायक के नाम से अवतरित हुए थे। दरअसल वे अपने ओज शक्ति के कारण महोत्कट विनायक के नाम से विख्यात हुए। इस अवतार में उन्होंने देवांतक तथा नरांतक नाम के दैत्यों के अत्याचार से देव ऋषि मुनि मनुष्यों और सभी प्राणियों को भयमुक्त किया था। वहीं त्रेता युग में भगवान गणेश जी ने मयूरेश्वर के रूप में अवतार लेकर तीनों लोकों में महाबली सिंधु के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, जबकि द्वापर युग में गणेश जी राजा वरेण्य के यहाँ गजानन के रूप में अवतरित हुए थे। यह अवतार उन्होंने सिंदूर नामक दानव को हरा कर धरती को उसके भय से मुक्त किया था। दोस्तों पुराणों में वर्णित इस अवतार की कथा के अनुसार सिंदूर का वध करने के बाद क्रुद्ध गजानन ने उसके रक्त को अपने दिव्य अंगों पर पोत लिया और इसी कारण वे सिंदूर प्रिय तथा सिंदूर वंदन कहलाए। दोस्तों वहीं पुराणों के अनुसार कलयुग में श्री गणेश का भावी अवतार धूम्र केतु के नाम से विख्यात होगा, जो कि धरती पर पापियों का नाश करने के लिए और सतयुग की स्थापना करने के लिए आएंगे। कहते हैं कि श्री गणेश जी कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। इस युग में उनका नाम धूम्रवर्ण और शूर्पकर्ण होगा। वे एक नीले घोड़े पर सवार होंगे और उनकी चार भुजाएं होंगी, उनके हाथों में खड़ग होगी। वे अपनी सेना के द्वारा पापियों का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। इस दौरान ही वे कल्कि अवतार का साथ देंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज भी इस कलयुग में ऐसे अस्त्र एवं शस्त्र छुपे हुए हैं जो बेहद ही शक्तिशाली हैं। कहते हैं कि ये सभी अस्त्र कई हजार साल पुराने हैं। सोचिए अगर ये अस्त्र किसी को मिल जाएं तो वो कितना शक्तिशाली हो जाएगा। इन सारे शस्त्रों की अपनी अलग ही विशेषता देखने सुनने को मिलती है। दोस्तों आज भी कुछ ऐसे शस्त्र हैं जिनको भगवान कल्कि धारण करेंगे। कल्कि पुराण में लिखा है कि वे तब प्रकट होंगे जब घोर कलयुग अपने चरम पर होगा। लोग अच्छे बुरे में फर्क करना भूल चुके होंगे। चारों तरफ
तरफ पाप, हिंसा, लूटमार, अन्याय होगा। तब इस कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार प्रकट होंगे और सभी पापियों का अंत करेंगे। कल्कि अवतार के शत्रु के रूप में कली पुरुष आएगा, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। कहते हैं कि कली पुरुष सभी मनुष्यों को कंट्रोल कर अपने अधीन कर लेगा और उन मनुष्यों से अपनी सेना बनाएगा। इन सब से युद्ध करने के लिए कल्कि भगवान ऐसे अस्त्रों को धारण करेंगे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे और उन्हीं की सहायता से वे सभी पापियों का अंत करेंगे। दोस्तों, वो सारे अस्त्र कौन कौन से होंगे और कल्कि भगवान उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे, इन सब की जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में आगे दूंगा। कल्कि अवतार का शंख। दोस्तों, शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख की ध्वनि शुभ मानी गई है। दोस्तों, पांचजन्य शंख बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में छठवां रत्न शंख था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया हुआ है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र तो यमपुरी चला गया है, तो वे भी यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तब उन्होंने शंखनाद किया, जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। दोस्तों, फिर यमराज खुद आकर भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा लौटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु पुत्र के साथ वे पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने अपने गुरु पुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पांचजन्य शंख को पुनः श्री कृष्ण को वापस कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद किया और पुराने युग का अंत कर नए युग की शुरुआत की। दोस्तों, मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पश्चात अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का ये शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा हुआ है। करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान अलमारी पता चली थी, जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं रखी थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख भी था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारते थे और आवाजें पांच तरफ से निकलती थी। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार जो कलयुग में जन्म लेंगे, वे इस शंख को धारण करेंगे और कलयुग में होने वाले महाविनाशक युद्ध में भगवान कल्कि इस शंख को धारण कर युद्ध को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शंभाला, जहाँ पर भगवान कल्कि का जन्म होगा, वो कहाँ पर है? दोस्तों, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है, जो शंगरीला, शंभाला और सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर अमर होने का राज छिपा है। हिमालय में इसकी ठीक जगह है किसी को नहीं पता। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी बहुत ज्यादा फेमस है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर होता है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। तिब्बत में लोगों के बीच ये स्थान काफी ज्यादा मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों, ज्ञानगंज में योगियों के अमर होने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गेन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके, तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जीवित रह सकता है। दोस्तों, न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद भी इस बात को मानता है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि शंभाला, शंगरीला, सिद्धाश्रम ये सभी एक ही हैं और यहीं पर भगवान कल्कि जन्म लेंगे। यहीं पर उनका पालन पोषण होगा और यहीं पर उनको विभिन्न शस्त्रों में पारंगत किया जाएगा। सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। यह अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था। इसके निर्माण के पीछे कई अलग अलग मान्यताएं पुराणों में मिल जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। शिव ने यह भगवान विष्णु को श्रेष्ठ संचालन के लिए दिया था। अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, वो भी सूर्य की अभेद राख से। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग की, तब
सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा और कोई धारण कर नहीं सकता है और ना कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की तब सुदर्शन चक्र भी वही पृथ्वी में समा गया और भविष्य में जब कल्कि अवतार धरती पर प्रकट होंगे तब वह सुदर्शन चक्र को पृथ्वी के गर्भ से पुनः धारण करेंगे। सेमंतक मणि। दोस्तों कहते हैं कि ये मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि कभी भी प्रवेश नहीं करते थे। कोई भी उपद्रव और अशुभ नहीं होता था। इस मणि को द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जामवन से प्राप्त किया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलंक मिटाने के लिए इस मणि को प्राप्त किया था। ऐसी संभावनाएं हैं कि ये मणि आज भी इस कलयुग में सोमनाथ मंदिर में स्थापित है और शायद इस मणि को पाने के लिए गजनवी ने 17 बार इस मंदिर पर आक्रमण किया था लेकिन असफल रहा। जब कलयुग कांत होगा तो कल्कि अवतार प्रकट होंगे और वे ही इस मणि को धारण करेंगे। कल्कि अवतार का धनुष। दोस्तों देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वत्रासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया लेकिन सभी अस्त्र एवं शस्त्र उसके कठोर शरीर से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्र भागकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी के पास गए लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में कोई भी ऐसा अस्त्र एवं शस्त्र नहीं है जिससे वत्रासुर का वध हो सके। त्रिदेवों की ऐसी बात सुनकर इंद्र मायूस हो गया। देवराज की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर एक ऐसे महामानव हैं दधीचि, इन्होंने तब साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु अपनी हड्डियों का दान कर दें। इंद्र ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार दधीचि की हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिए। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इनकी हड्डियों से 3 धनुष बनाए, पिनाक, सारंग और गांडीव। दोस्तों पिनाक धनुष भगवान राम ने तोड़ा था, गांडीव अर्जुन को मिला, सारंग भगवान विष्णु को मिला और उनकी छाती की हड्डियों से वज्र बनाया गया जो इंद्र को मिला। इसके बाद इंद्र ने वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया जिससे टकराकर वृत्रासुर का शरीर रेत की तरह बिखर गया। देवताओं का देवलोक पर अधिकार हो गया और संसार में धर्म का राज कायम हुआ। दोस्तों कहते हैं कि महर्षि की हड्डियों से बनाए गए इन शस्त्रों को त्रिदेव के अलावा और कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वे सारंग धनुष को धारण करेंगे और इसकी सहायता से सभी पापियों का अंत करेंगे। दोस्तों मित्र, एक ऐसा शब्द जो कि कई युगों से हमारे बीच हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे बात हो रामायण काल की जिसमें हनुमान और सुग्रीव जैसे दो महायोद्धाओं की मित्रता के किस्से सुनने को मिलते हैं, चाहे बात की जाए महाभारत काल की जिसमें मित्रता का मतलब हमें कृष्ण और सुदामा ने सिखाया, अर्जुन और कृष्ण ने सिखाया, कर्ण और दुर्योधन ने सिखाया। जी हाँ दोस्तों, कर्ण और दुर्योधन ये दो ऐसे नाम हैं कि जिसने भी महाभारत देखी होगी वो इन दो कैरेक्टर्स को कभी भी भूल नहीं सकता। दोस्तों आज की ये वीडियो द्वापर युग के इन्हीं दो महायोद्धाओं के इर्द गिर्द घूमेगी और दोस्तों जो लोग कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में जानते होंगे क्या वे ये जानते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल कहां पर हैं? और इंटरनेट पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि कल्कि अवतार और कर्ण के कवच और कुंडल में कुछ रहस्य है। तो दोस्तों द्वापर युग के उस महादानवीर योद्धा का कलयुग के इस महायोद्धा से क्या संबंध है और इनके बीच का रहस्य क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अनेकों योद्धाओं में एक वही तो महान था, दान देना जिसका स्वाभिमान था, सभी वीरों में एक वही तो सर्वशक्तिमान था, कुंती का वह लाडला बड़ा ही धनवान था। दोस्तों दानवीर कर्ण जिसकी वीर गाथा हमें आज भी सुनने को मिलती है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो महाभारत काल के इस वीर पात्र को ना जानता हो। बता दूं कि कर्ण का जन्म ऋषि दुर्वासा के दिए गए वरदान से हुआ था। यह कहानी तब की है जब ऋषि दुर्वासा राजा कुंती भोज के महल पधारे और राजा से कहने लगे कि मैं अपनी तपस्या के लिए इस महल में कुछ समय रुकूंगा। तब राजा ने उनकी देखभाल का ध्यान कुंती को रखने को कहा। वैराग्य भाव से कुंती ने उनका ध्यान रखा। क्रोध से जाने जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने पहली बार उनसे प्रसन्न होकर एक वरदान दिया कि मेरे इस मंत्र को बोलकर तुम किसी भी देवता से वरदान मांग सकती हो। दोस्तों महर्षि दुर्वासा के इन मंत्रों पर माता कुंती को शक था। तब उन्होंने सबसे शक्तिशाली देवता
सूर्य देव का आवाहन किया और उनके जैसे ही एक शक्तिशाली तेजस्वी बालक को मांगने की कामना की। दोस्तों, सूर्यांश का वह पुत्र स्वर्ण के कवच और कुंडल के साथ जन्मा था, लेकिन कुंती के अविवाहित होने के कारण उन्होंने उस पुत्र को गंगा में बहा दिया था। आपको बता दें कि कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। उनकी माता का विवाह पांडु के साथ हुआ था और कर्ण का जन्म उससे पहले ही हो गया था। गंगा नदी में बहते बहते कर्ण एक स्त्री राधे के हाथ लगा और उन्हीं ने कर्ण को बड़ा किया। तब से कर्ण को राधे नंदन के नाम से जाना जाता है। कर्ण में खास बात ये थी कि वह किसी को भी दान दिया करता था। दान प्रियता अंगराज की एक ऐसी वीर निशानी थी और इसी निशानी के कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण का जीवन चरित्र भारतीय मानस में एक ऐसे वीर योद्धा का है जो कि जिंदगी भर कठिनाइयों और कष्टों से भरा हुआ था। कर्ण को कभी भी वह हक और प्रेम नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप में हकदारी था। और अगर बात करें कर्ण के कवच और कुंडल की, तो भगवान शिव का पाशुपतास्त्र अस्त्र भी कर्ण के कवच और कुंडल का कुछ भी उखाड़ नहीं सकता था। दोस्तों, दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो कर्ण को कवच और कुंडल के साथ क्षति पहुंचा सके। और इसी बात का डर पांडवों को था और इसी बात का घमंड कौरवों को भी था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहां भगवान की लीला चलती है वहां असंभव कार्य भी संभव होने लग जाते हैं। कुछ इसी प्रकार कर्ण के साथ भी हुआ। पांडवों को हारता देख भगवान कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को यह आदेश दिया कि तुम कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया कि अगर कर्ण के कवच और कुंडल उससे नहीं लिए गए तो वह पांचों पांडवों के प्राण हर लेगा और इतिहास के पन्नों में यह लिखा जाएगा कि धर्म की लड़ाई में अधर्म की जीत हुई। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इनसे भी बड़ा पापी कर्ण कहलाएगा और कर्ण जैसे महान योद्धा को कलंक शोभा नहीं देता। प्रातः सुबह कर्ण भगवान सूर्य देव की पूजा कर रहा था, तब देवराज इंद्र अपना रूप बदल कर एक साधु के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और उनसे दान में उनके कवच और कुंडल मांग लिए। सूर्य देव द्वारा कई बार चेताया जाने के बाद भी कर्ण पीछे नहीं हटा। उसने प्रेम पूर्वक अपने कवच और कुंडल इंद्र देव के चरणों में रख दिए। कर्ण की इस दान प्रियता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे वर मांगने को कहा। तब कर्ण ने कहा कि दान देने वाला किसी से दान की भीख नहीं मांगता। तब इंद्र ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान किया, जिसका प्रयोग वह युद्ध में सिर्फ एक बार ही कर सकती थी। और इसके बाद कर्ण को एक और नाम से जाना जाता है, विकर्तन। दोस्तों, छल से पाई गई कोई भी चीज इंद्रदेव अपने साथ स्वर्ग लोक नहीं ले जा सकते थे। तत्पश्चात इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को धरती लोक पर समुद्र के किनारे किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया। उसके बाद चंद्रदेव की उस पर नजर पड़ी और वह उसे चुरा कर भाग रहे थे। तब समुद्र देव ने चंद्रदेव से कवच और कुंडल को बचाया। ऐसा माना जाता है कि तब से सूर्य देव और समुद्र देव इस कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम सूर्य देव और समुद्र देव की कहानी को समझें, तो वह जगह जहां पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हो, उड़ीसा शहर में स्थित पुरी गांव के निकट कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनाया गया, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल में यहाँ पर सूर्य मंदिर बनवाया गया था और कभी भी इस मंदिर में पूजा होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। सोचने की बात तो ये है कि क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहां पर क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं वहां पर वह कर्ण के कवच और कुंडल तो नहीं थे? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है जहां पर कर्ण के कवच और कुंडल है और उसकी रक्षा तक्षक नाग करता है। दोस्तों, आज के समय में इस कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी ही जानते होंगे, जैसे हनुमान जी या फिर परशुराम जी। अगर वह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ लग गए
तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वह इस पाप भरी दुनिया का और क्या हाल करेगा। कई ग्रंथ और कहानियों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि उन्हीं को इस कवच की पूरी सच्चाई पता होगी और वही अवतार इस कवच और कुंडल को उस गुफा से बाहर निकालेंगे। दोस्तों 64 कलाओं से युक्त कल्कि अवतार जब कली पुरुष से युद्ध करेंगे तो वे युद्ध के दौरान कवच और कुंडल को अपने शरीर पर धारण करेंगे। उस कवच और कुंडल में इतनी शक्ति होगी कि वह कल्कि अवतार को बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र और ताकतवर से भी ताकतवर हथियार से बचाएगा। तब जाकर महाबली महाशक्तिशाली श्री कल्कि कली पुरुष जैसे महाशक्तिशाली असुर से युद्ध करेंगे और उसका वध करके कलयुग का अंत करेंगे और समस्त संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। मित्रों कहा जाता है कि भगवान कणकण में व्याप्त हैं, लेकिन आज मैं आपको भविष्य में जन्म लेने वाले यानी कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोई नहीं जानता कि कल्कि अवतार ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, लेकिन उनका रहस्यमय मंदिर करीब 300 साल पहले ही बना दिया गया था। तो दोस्तों क्या आपने किसी ऐसे घोड़े के बारे में सुना है जो पहले तो मूर्ति की तरह बेजान हो लेकिन बाद में उसमें जान आ जाए और वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार के साथ मिलकर पापियों का संहार करे? कोई बात नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका ये मित्र आपको बताएगा कि आखिर भगवान कल्कि के 300 साल पुराने मंदिर का रहस्य क्या है। दोस्तों कल्कि अवतार के मंदिर का रहस्य जानने के लिए हमें चलना होगा राजस्थान से करीब 200 किलोमीटर दूर जयपुर, जहां पर बना हुआ है ये दिव्य मंदिर। कलयुग के अवतार यानी कि कल्कि अवतार का विश्व में ये पहला मंदिर है। इसे शास्त्रों की कल्पना के आधार पर जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह ने 1739 में बनवाया था। इसका निर्माण बुर्जनुमा शैली के आधार पर किया गया है। इसमें चूने का कम से कम इस्तेमाल है। दोस्तों इस मंदिर की महत्वता और प्राचीनता के कारण ही पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। दोस्तों ये तो हो गई मंदिर के इतिहास को लेकर बातें, अब जरा बात करते हैं कल्कि अवतार के मंदिर के रहस्य के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और वे अपने घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे। दोस्तों इस मंदिर में आपको भगवान कल्कि की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति और भगवान शंकर यानी कि भोलेनाथ की मूर्ति दर्शन के लिए मिल जाएगी। इसी मंदिर में एक दिव्य घोड़े की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि घोड़े के पैर में घाव है और वो धीरे धीरे भर रहा है। जब इस घोड़े का घाव भर जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और ये घोड़ा जीवित हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस अश्व के पैर में घाव है वो दिन प्रतिदिन भर रहा है। जिस दिन ये घाव पूरा भर जाएगा उस दिन कल्कि अवतार प्रकट होंगे और यहाँ से उस घोड़े पर बैठकर पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए निकलेंगे, अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और अंत में इसी घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर भगवान कल्कि दुष्टों का संहार करेंगे। आम तौर पर देखने पर ये मूर्ति संगमरमर की बनी है। कहा जाता है कि पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था और बाद में जयपुर बसा था। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके साथ ही भारत के इतिहास में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ चमत्कारों के लिए विश्व विख्यात हैं। यहाँ तक कि भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें रहस्यमय और चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम जगन्नाथपुरी मंदिर है। दरअसल यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम में से एक है। इसके साथ ही जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जगन्नाथपुरी का रहस्य क्या है, कल्कि अवतार का रहस्य क्या है और कल्कि अवतार इस मंदिर में क्यों आएंगे और क्यों जगन्नाथपुरी कलयुग के समाप्त होते ही समुद्र में डूब जाएगी। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है,
इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है जगत के स्वामी, जिसके कारण इसे पुरी जगन्नाथ, बैकुंठ धाम और जगन्नाथपुरी आदि नामों से पुकारते हैं। पुरी को भगवान विष्णु और उनके परिवार के घर के रूप में जाना जाता है। मित्रों, इसके साथ ही पुरी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए भी विख्यात है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष निकलने वाली रथ यात्रा का उत्सव भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों की ही तीन अलग अलग भव्य सुसज्जित रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। मित्रों, श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपराओं तथा संत रामानंद से संबंधित हैं। इस क्षेत्र को शाक क्षेत्र, नीलगिरी और नीलांचल भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नील माधव के रूप में अवतरित होकर उन्होंने पुरी में अनेक लीलाएं की थी। पुरी के लेखाघर में पाए गए एक लेख के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण कार्य गंगवंश के सप्तम राजा अनंग भीमदेव द्वारा 1108 ईस्वी में करवाया गया था। इस भव्य मंदिर की ऊंचाई 58 मीटर है और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां विराजमान है। देश का यह ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बालभद्र और की बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां यानी कि लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। मित्रों, इस मंदिर की ऐसी अनेक मान्यताएं और विशेषताएं हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। इसी प्रकार इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ जी ने अपने शरीर का त्याग किया था, तब उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनकी देह का एक भाग शेष रह गया। लोगों की मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की भांति धड़कता रहता है और वो आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ की तीनों मूर्तियां प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार बदलने की प्रथा है, अर्थात पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां 12 वर्ष में एक बार बदल दी जाती हैं। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। मित्रों, जिस समय पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं रखी जाती हैं, उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है और मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह से अंधकार कर दिया जाता है। यहां तक कि मंदिर परिसर के बाहर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। उस समय मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर में जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। यहां तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरे होने के उपरांत ही प्रतिमाओं को बदलने का कार्य किया जाता है। मूर्तियों को बदलने के साथ ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है ब्रह्म पदार्थ। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी के पास जानकारी नहीं है। सभी को सिर्फ इतना मालूम है कि यह ब्रह्म पदार्थ प्रत्येक 12वें वर्ष पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर मान्यता यह है कि यदि इसे किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे देख लेने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप पुराणों और ग्रंथों को पलट कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब जब कोई युग समाप्त होता है या युग का परिवर्तन होता है तो हमारी धरती का एक हिस्सा समुद्र में डूब जाता है। द्वापर युग हो चाहे त्रेता युग हो, हर युग में ये घटना एक बार जरूर घटती है। एग्जाम्पल के लिए आप द्वापर युग को ही ले लीजिए। द्वापर युग जब समाप्त हुआ तो पूरी द्वारिका नगरी डूब गई और ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका नगरी लगभग 7 बार डूब चुकी है। द्वारिका क्यों डूबी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जिस तरह द्वारिका द्वापर में डूबी, उसी तरह जगन्नाथपुरी कलयुग में डूबेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको लेकर बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हुई है। भविष्य मालिका पुस्तक में भी ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार होना भी शेष है। कहा जाता है कि जब दुनिया का अंत समीप होगा और पूरी दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि भगवान के रूप में सबके सामने प्रकट होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में वो ब्रह्म पदार्थ हो ना हो, भगवान कृष्ण का दिल ही है और वो आज भी धड़क रहा है। ऐसा मानना है कि जब तक इस धरती पर भगवान विष्णु का कोई अवतार आकर
उस हृदय से ईश्वरीय शक्तियां ग्रहण नहीं करता तब तक वो हृदय धड़कता रहेगा ताकि ये संसार सुचारू रूप से चलता रहे। जब भगवान कल्कि अवतार लेकर जगन्नाथ मंदिर में रखे उस हृदय से ईश्वरीय शक्तियां ग्रहण करेंगे तब उस हृदय की धड़कन धीमी पड़ जाएगी। दोस्तों हो न हो उस हृदय में शक्तियां हैं, तभी तो ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी उस हृदय को सूनी आंखों से देखा या हाथों से छुआ तो वह मनुष्य भस्म हो जाएगा। मित्रों इतना ही नहीं, इस मंदिर के चार और रहस्य हैं जो कि यहाँ के भक्त भी बताते हैं। पहला रहस्य है सिंह द्वार का रहस्य। समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर में एक सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार में अपने कदम रखने से पहले समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाज बंद हो जाती है। इस प्रकार जैसे ही सिंह द्वार से निकलने के लिए आप अपना पहला कदम उठाते हैं समुद्र की लहरों की आवाज पुनः सुनाई पड़ने लगती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले चिताओं को जलाने जैसी गंध आती है और इस द्वार से निकलते ही यह गंध समाप्त हो जाती है। अगला रहस्य है मंदिर के ऊपर पक्षियों का न उड़ना। अक्सर मंदिरों मस्जिदों या किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी मंडराते या फिर बैठे हुए नजर आते हैं, परंतु इस मंदिर के ऊपर या परिसर में कभी भी किसी ने कोई भी पक्षी उड़ते हुए नहीं देखा, जो वास्तव में एक रहस्यमय घटना है। यही कारण है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन नहीं उड़ता, उसको भी प्रतिबंधित किया हुआ है। मंदिर की परछाई और झंडे का रहस्य। पुरी जगन्नाथ मंदिर 400,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। अक्सर हमें किसी मनुष्य या इमारत की परछाई जमीन पर दिखाई पड़ती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर की परछाई आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखी। यदि हम मंदिर में लगे हुए ध्वज की बात करें तो इसे लेकर भी एक बड़ा रहस्य है। यह ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, यहाँ तक कि मंदिर के ध्वज को प्रतिदिन बदलने का नियम है। लोगों का मानना है कि यदि किसी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आगामी 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन लगभग 500 रसोइये और 300 से अधिक सहयोगी कार्य करते हैं। मंदिर की रसोई से जुड़ा एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ भक्तों की संख्या चाहे जितनी अधिक बढ़ जाए परंतु आज तक कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ा। सबसे खास बात तो ये है कि जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है प्रसाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इस मंदिर में आज तक कभी भी किसी ने प्रसाद के बचने या फिर व्यर्थ फेंकने की बातें सामने नहीं आती। तो मित्रों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।